एक से तीन मई तक लगने वाले लॉकडाउन को देखते हुए नगर निगम प्रशासन शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन कराएगा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि लॉकडाउन को देखते हुए शहर में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता मिलेगी। जिसके तहत 1 मई को मंडलायुक्त द्वारा इंद्राबाल विहार से 70 वार्डों में सैनिटाइजेशन करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया, हाँ, शासन के जो नवीन दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार फ्राइडे की शाम को 8 बजे से लेकर मंगलवार की सुबह 8 बजे तक 3 दिनों का जो है लॉकडाउन रहेगा, कोरोना कर्फ्यू रहेगा। और इसमें आवश्यक वस्तुएं को ये जो वाहन है वो चलते रहेंगे, आवश्यक सेवाएं जो हैं वो मतलब आवश्यक सेवाओं पे कोई बैन नहीं रहेगा, वो उसी प्रकार पूर्वक चलती रहेंगी। लेकिन जो भी कोई भी आम मूवमेंट है उस पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा। और इन जो 3 दिनों में शासन से प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार हम लोग एक विशेष महाअभियान सैनिटाइजेशन के संबंध में चला रहे हैं, जिसमें कल हमारी 55 गाड़ियाँ जो हैं बाल भवन तिराहा से कल माननीय मंडलायुक्त महोदय के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएंगी, जो कि हमारे चारों जोनों में जाएंगी, 70 वार्ड में जाएंगी और एक साथ पूरे वार्ड को सैनिटाइज करेंगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक करना और कोरोना से जो हम लोग सभी लोग मिलजुल कर लड़ रहे हैं उस जंग में उसको परास्त करना है।